बुधवार को नागपुर के मानेवाड़ा परिसर में कुख्यात सूरज बिहारी महतो की हत्या के मामले में कई बातें सामने आई हैं। इस मामले में प्यार का त्रिकोण होने की बात की जा रही है। अजनी पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेकर छानबीन शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार कुख्यात सूरज महतो की हत्या के बाद इस मामले की कई गुत्थियां खुली है। जानकारी मिली है कि मामले में तीन आरोपी हैं, जिनके नाम बिपिन गुप्ता, अनिल गुप्ता, विजय गुप्ता का समावेश है, जो नागपुर में कई दिनों से छोटे मोटे काम कर रहे थे। घटना के बाद आरोपी बिपिन को गिरफ्तार किया गया, मगर बाकी के दोनों आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक 19 वर्षीय आयुवती के साथ आरोपी बिपिन के प्रेम संबंध थे। कुछ दिन बाद युवती ने कुछ कारणवश बिपिन से दूरियां बना ली, जिसके बाद युवती ने इमामवाड़ा परिसर के युवक से नजदीक या बात गई। इस लड़की का दोस्त मृतक सूरज अच्छा दोस्त था। इस कारणवश आरोपी आए दिन बिपिन को धमकियां देता था। आरोपी बिपिन ने युवती के घर में उसके प्रेम संबंध बताने के बाद इस मामले में कई मोड़ आए, जिसके बाद आरोपी ने कुख्यात सूरज महतो को मौत की घाट उतार दिया। अजनी पुलिस स्टेशन अंतर्गत नाईक नगर मानेवाड़ा रिंग रोड या परिसरात काल खुनाची घटना घडलेली आहे। त्या घटनेच्या अनुषंगाने यात फिर्यादवरून खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। यातून आम्ही केलेल्या तपासात आज आता पावितो असे निष्पन्न झालेले आहे की यात तीन आरोपींनी यातील मृतक सूरज महतो उर्फ बिहारी यास जीवनीशी धारधार शस्त्राने जीवनीशी ठार मारलेले आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही यातील बिपिन रामकुमार गुप्ता यास ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे। आज त्यांना माननीय कोर्टात पुढील तपासाकरिता पोलीस कोठडी मिळण्याकरिता विनंती करिता हजर करत आहोत। मय्यतचं नाव यापूर्वी सांगितलं, सूरज आमिर महतो उर्फ बिहारी राहणार हा आपल्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील बालाजीनगर नाल्याजवळ राहत होता, पण यावर तडीपारीचा कारवाई करण्यात आली होती। तो सध्या वर्धा येथे राहत होता, पण या आरोपी आणि यातील अटक आरोपी आणि मृतक हे एकमेकांचे यापूर्वीचे ओळखीचे मित्र आहेत, पण त्यांच्यात काही मुद्द्यावरून वादविवाद झालेला आहे, त्यावरून सदरची घटना घडलेली आहे। त्याचा सविस्तर तपासच्या अनुषंगाने आम्ही साक्षीदार तपासत आहोत। तसेच काही आरोपी जे याच्यात फरारी आरोपी आहेत, त्यांच्या शोधसाठी आम्ही देखील टीम पाठवलेली आहे। लवकरच ते आरोपी अटक करण्यात येतील। कुख्यात आरोपी सूरज महतो की आपराधिक जगत में अच्छी पहचान थी। हत्या के बाद परिसर में तनाव की स्थिति बन सकती थी, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने स्थिति को पहले से नजर बनाया था। इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने भी नजर बनाए हुए रखी थी। फिलहाल दोनों फरार आरोपियों को ढूंढने पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश रवाना हुई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।